जो लेक है इसका नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर जिसपे बना हुआ अपना भाखड़ा बांध, ये भाखड़ा बांध में जरिए गए। गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज़ विशाल साइनिंग इन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल AVS Vlog। सो आज गाइज हम जा रहे हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, मैं हूँ विशाल और ये है अमन जी, अमन और मैं जा रहे हैं प्री वेडिंग शूट के लिए। सो आज हमारा चैनल भी कम्प्लीट है गाइज, अमन विशाल शर्मा व्लॉग। सो गाइज आज आएंगे फुल मज़े, अभी जाएंगे हम शूट करने प्री वेडिंग, और प्रेड लोकेशन है गाइज, बहुत ही मस्त लोकेशन है, जैसा कि भाई ने बताया मेरे कि पहले गया हुआ उस लोकेशन के ऊपर, क्यों? हाँ बिल्कुल अच्छी लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है गाइस। तो आप बने रहिए, जस्ट अभी हम निकले हैं घर से और आपको बीच बीच में गाइस अपडेट करते रहेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और जिसने गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को यहीं कर दे लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन थोक दे यहीं पर, क्योंकि आगे के जो शॉर्ट्स होंगे वो होंगे बड़े ही मस्त मस्त। सो गाइस आप बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं माता चिंतपूर्णी, ये लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए माता चिंतपूर्णी के, आपने काफ़ी वीडियोस में मेरे दर्शन किए होंगे। और गाइस अभी जो टाइम हो गया है वो हो गया है सुबह के आई थिंक 7 बज चुके हैं, एक मिनट का टाइम, हाँ गाइस ये देखिए टाइम हो गया है सुबह के 6:49। तो ये है माता जी मंदिर, माता जी का अभी दर्शन करवाते हैं गाइस आपको, ये देखिए चिंतपूर्णी दर्शन कर लीजिए माता जी के, सामने ऊपर मंदिर है माता जी का, और ये रोड है गाइस, जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो दर्शन कर ले घर बैठे बैठे, आपको यहीं बैठे बैठे गाइस दर्शन करवा रहे हैं माता चिंतपूर्णी जी के। सो अभी तो बाज़ार बंद है लॉकडाउन के कारण, आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है तो मंदिर खोलना अभी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। एक रास्ता ये है, एंट्री का रास्ता ये है गाइस, यहाँ से एंट्री होती है और वहाँ से एग्ज़िट है, दर्शन करके लोग बाहर आते हैं। ये आ गया है एग्ज़िट गेट माता चिंतपूर्णी जी का, और हम आ गए हैं मेन रोड पर गाइस, ये आ गया है कांगड़ा होशियारपुर वाला रोड मेन, इधर गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कांगड़ा के लिए, और ये गया रहा है चिंतपूर्णी ऊना, ऊना से आगे चंडीगढ़ निकल जाइए और सीधा जाओगे तो मुबारकपुर से आगे होशियारपुर जलंधर जा सकते हो आप। और अभी हम जा रहे हैं गाइस ऊना, आपको जैसे पहले ही बताया ऊना जा रहे हैं हम प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे हैं गाइस। गाइस ये है ऊना, अभी पहुंच चुके हैं हम ऊना, ऊना में काफ़ी चहल पहल है, बाज़ार खुला हुआ है, ये देखिए अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं, 8:15 बज चुके हैं गाइस, तो अभी तो काफ़ी हद तक
ये जो रोड गया गाइस ये चंडीगढ़ गया है और इधर जा रहा है अपना आगे, ये ऊना से आगे निकल जाएगा आगे आप कांगड़ा धर्मशाला मकलोड़गंज कहीं भी निकल सकते हो। और ये है गाइस ऊना, यहाँ लग गई है बारिश और देखिए आप पीछे भाई आ रहा बैक आगे अपना। अभी हमारे बंदे आ रहे हैं आगे जिनसे हमने मिलना है और गाड़ी हमने यहीं पीछे पार्क पे लगा दी है अपनी, पीछे पार्किंग में गाड़ी लग गई है हमारी। आँखों में नींद थोड़ी थोड़ी चढ़ी हुई है गाइस और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने दूसरे फोटोग्राफर की, वो आएगा भी यहीं से तो आगे जो हम बैठेंगे उसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे गाइस। अभी वेट कर रहे हैं हम अपने दूसरे फोटोग्राफर की, जैसे वो आएगा फिर चलेगा। अभी शेड के नीचे खड़े हम यहाँ, बारिश हो रही है बिकॉज ये देखिए आपको दिखाता हूँ बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है अभी तो। ये खड़ा अमन वेट कर रहे हैं। गाइज अब यहाँ से हम शूट शुरू करेंगे अपना और शूट शुरू हो जाए। अभी हम पहुँच चुके हैं मेन होटल सी रोक के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी करेंगे शूट। ये भाई साहब भी हमारे साथ हैं, नाम क्या जी आपका? बंटी ड्रोन। बंटी भाई ये ड्रोन आएंगे हमारे बंटी, पूरा पूरा फन भाई है, पूरा पूरा फन बिल्कुल बिल्कुल वाटर क्रॉस कर गए भाई बाकी बिल्कुल बिल्कुल। सामने झील है, झील की बहुत ज़बरदस्त आएगी लोकेशन यहाँ से, सामने लोकेशन झील भी है। तो गाइज आप बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप मत करिए गाइज। वही होना हूं लव शॉट, वही बढ़िया लग रहा है भाई, गाना अभी है लव शॉट हां बाबा जी अभी है पापा जी तो देखो अभी ओहो अक्कर अक्कर की है अक्कर मैं इतने शुरू कर लूं। चाय गाइस खत्म हो गई, अब लेट होगा दिखाने आपको, भी पी रहे हैं भाजी चाय पी रहे हैं। सो गाइस अभी शूटिंग की तैयारी हो रही है, अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या शूट करना है कैसे शूट करना है, बैठे हैं वो भाई बैठा हुआ है, शूट का प्लानिंग हो रही है कि सॉन्ग कैसे शूट किया जाएगा। सो अभी प्लानिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर में चलेंगे शूट के लिए फिर आपको दिखाएंगे गाइस, आप बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं शूट के लिए, ये प्लान हो रहा है शूट के लिए। सो प्री वेडिंग शूट करेंगे हम, ये हमारे साथ शूट, क्या नाम आपका? हेलो, नाम बताओ नाम भाई, माइक लगाओ। सो गाइस अभी चल रहे हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, शूट के लिए चल रहे हैं, मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ का तो अच्छे, देखते आगे जाके क्या होता है बट इतना मेरे को मालूम है कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ भी होगा बढ़िया हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिल्कुल सभी, तो हम देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो गाइस आप बने रहिए हमारे साथ, ये थे हमारे साथ। तो आप यहाँ वेडिंग कपल के साथ हो? कपल के साथ आओ, कपल के साथ ना, ये कपल के साथ हैं हमारे तो ये शूट के लिए। और अपनी जो टीम आगे फोटोग्राफर चलेगी, अभी टीम चलेगी, अभी हम फोटो शूट करेंगे, बिल्कुल देखेंगे अलग अलग व्यू के, फिर आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से व्यू। सो गाइस सबसे बढ़िया, तो आप भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे विजिट करो तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आगे जा रहे हैं अमन भाई अपना लोकेशन के लिए, कैसा फील हो रहा है आज? गर्मी बहुत ज़्यादा, देखते हैं क्या होता है शूट के बाद। सो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा अभी तो, ये देख रहे हो आप कैमरा, कैमरा बताओ कौन सा है? 7-3। और लेंस कौन सा? लेंस तो 35mm, हाँ जियोन, जियोन का गिम्बल है, 35mm का लेंस है और है ये अपना सोनी का कैमरा, सोनी का लेंस। तो गाइज ये है प्रोफेशनल कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा और प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है मेरा भाई। सो गाइज अभी हम आए हैं पेड लोकेशन, और पेड लोकेशन है ये, पेड लोकेशन। सो गाइज ये पेड लोकेशन है जिसमें अभी हम आए हुए हैं शूट के लिए, और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ चेक करने जा रहे हैं लोकेशन। सो गाइज आप बने रहिए हमारे, स्टे ट्यून, आपको पूरा इन्जॉय कराएंगे, कुछ सिनेमेटिक शॉट भी दिखाएंगे भाई कैसे लेता शॉट, वो भी दिखाऊंगा आपको, थोड़े बहुत दिखाऊंगा ज़्यादा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, फिर आप थोड़ा बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा सिनेमेटिक शॉट देखोगे, आप भी बोलोगे ये तो बार बार शॉट वही ले रहा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक्चुअली रीटेक होते हैं आपको बार बार देखने वही नहीं मिलेगा, लेकिन आप बोलेंगे बार बार चीज़ वही देखो, रीटेक होते हैं गाइस बीच बीच में, इसलिए ठीक है गाइस फिर मिलते हैं आपको आगे लोकेशन पे। गाइस अभी हम जा रहे हैं होटल के नीचे जो पेड लोकेशन है, ये देखिए होटल का नाम, होटल सी रॉक बार एंड रेस्टोरेंट। और अभी हम जा रहे हैं नीचे और यहाँ से दिखाते हैं आपको थोड़ी लोकेशन का व्यू दे देते हैं, कैसे ओवर भी दिखा देते हैं, सराउंडिंग व्यू दे देते हैं आपको, लोकेशन कैसी दिखती है ये प्री वेडिंग के लिए। वाटरफॉल भी है, ये देखिए स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये है स्विमिंग पूल गाइज,
छोटा सा स्विमिंग पूल लेकिन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये देखिए। चलो चलो चलो। सो गाइस ये लोकेशन है स्पेशल बनाई है प्री वेडिंग के लिए, शूट करने के लिए। ये देखिए यहाँ का जो व्यू है कुछ सराउंडिंग का ऐसा है। ये होटल गाइस बहुत ही ऑसम व्यू है, आप देख सकते हो। आप कभी भी यहाँ से आ सकते हो कोई भी प्री वेडिंग करने के लिए। तो हमारा भी आपको यही सजेस्ट है कि हम भी आप यहाँ पर विजिट करें तो आपको बढ़िया रहेगा। सो बहुत ही ऑसम लुक है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है भाई। शानदार व्यू आ रहे हैं गाइस, देखिए माउंटेन्स अभी दिख नहीं रही है बिकॉज माउंटेन में काफ़ी क्लाउड आ चुका है, क्लाउड वो आ चुका है तो इसलिए भी बादल बने हैं ऊपर आसमान में। तो आपको क्लाउड के कारण जो है माउंटेन्स क्लियर नहीं दिख रही है, बट गाइस लोकेशन बहुत शानदार। आप घूमने फिरने के लिए आ सकते हो, पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हो, घूमने प्री वेडिंग शूट सब यहाँ पे करने के लिए आ सकते हो गाइस आप। सो गाइस ये थी लोकेशन, अब थोड़े थोड़े बीच में आपको प्री वेडिंग शूट भी दिखाएंगे गाइस। तो तब तक आप व्यू देख लीजिए सराउंडिंग का यहाँ का, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। ये देखो आपको सब कुछ दिखाएंगे, जो जो भी है अवेलेबल आपको सब कुछ प्रोवाइड करें, बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में ये भी है देखिए नीचे थोड़ा विलेजी लुक देने के लिए। वो विलेज वो देखो थोड़ा विलेज की तरह है, वो कल्चरल टाइप जैसे होता है, अलग अलग कल्चर है। ये वो हमारा पंजाब का कल्चर होता है, हिमाचल का कल्चर, उनका ये कल्चर है। तो सबको यहाँ पे आपको है, ये देखो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं वहाँ पे ओपन, तो आप कोई भी शूट करना है तो गाड़ी भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, झूले वगैरह सब है यहाँ पे, एक वहाँ भी बनाया हुआ स्विंग्स वगैरह, कितने बढ़िया स्विंग्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। गाइस फैमिली, कोई भी फैमिली यहाँ पे आ सकती है अपनी हॉलीडे स्पेंड करने। सो बहुत ही बढ़िया है, बीच में वो मंदिर भी है वहाँ पर, वो देखो मंदिर भी है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ठीक है गाइस, अब आपको लोकेशन दिखा दिया, थोड़े छोटे आपको बीच में दिखाते रहेंगे हम, बीच में बीच प्री वेडिंग के। तो गाइस ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ओपन ओपन रूफ के साथ, ओपन शेड की देखिए ऊपर से।